तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं फिर से अपोलो 5565R14, बोले तो अमेजर 4G लाइफ 2 ईयर्स अनकंडीशनल वारंटी के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है और बहुत ही सुपर होने वाला है। अब देख सकते हैं इस टायर पे जो दाना दाना सा दिख रहा होगा वो नए टायर का पहचान है, और दूसरा स्टिकर, ये दो चीज़ पहचान है, और तीसरा भी मैं बताऊंगा जो नए टायर का पहचान है वो भी आप वीडियो में बने रहे कि तीसरा क्या है नए टायर का पहचान, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं इस पर एकदम साफ साफ स्टिकर पे लिखा हुआ है अमेजर 4G लाइफ 2 ईयर्स अनकंडीशनल वारंटी। तो दोस्तों इसमें आपको बेनिफिट क्या है? इसमें ये बेनिफिट है कि आपके गलती से भी, यानी आपके गलती से भी पंचर में यानी चल के टायर फट जाता है, या फिर कई बार जो है हवा निकल गई आपको पता नहीं लगा, रात का वक्त है और टायर जो है पंचर में चल के फट जाता है, तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, जी हाँ। और तीसरी बात कि ये जो है ये 18/2022 जो देख रहे हैं 18/2022 इस तरह जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है, तो जोन से भी साल में जोन से भी ईयर में आप ले रहे हो तो उसमें इस तरह से जो है डेट जो है आपको लगा हुआ मिलेगा कि 2018 का टायर है या 2022 का है या 2024 का है, 2023 का है, जो भी है। 2023 चल रहा है तो 2023 का आपको ये देख लेना है। 18 जो दिख रहा है ये 18वां वीक है, वीक के हिसाब से टायर रेडी हो रहा है आजकल कंपनी में, और जो 22 है वो ईयर्स है। तो ये 18वां वीक 2022 का बना हुआ टायर है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ रहता है, इसलिए आप धोखा नहीं खाएंगे कभी भी कहीं से भी टायर ख़रीद रहे हैं तो, और कहीं भी आप टायर ले रहे हैं तो ये तो देख ही सकते हैं कि टायर पे मैन्युफैक्चरिंग देख लिए तो टायर तो लेटेस्ट आपको मिल जाएगा, पर टायरों पे जो है बूंदाबांदी है, स्टिकर है, स्टिकर ना भी है तो कोई बात नहीं। ये बाल देख रहे हो इसके सर पे, जो बाल है वो बाल रहेंगे, वो गंजे नहीं रहेगा, जैसा कि आजकल बहुत से लोग टकले दिखते हैं ना, ऐसा नहीं। ये इस टायर पे बाल है और सब टायर पे नहीं होता है, ये अपोलो 4G टायर पे बाल होता है या फिर उस पर पंचिंग जो है दाने दाने के निशान रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप MRF के दीवाने हैं तो MRF का टायर कभी गलती से भी ना लेना। थैंक यू वेरी मच।